क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित चंदन सांडिल प्रतिदिन की तरह एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी के अपने एवं सबसे खास लोकप्रिय कार्यक्रम कुंडली दर्शन में। और आज कुंडली दर्शन के इस विशेष राशिफल विशेषांक कार्यक्रम में बात करेंगे आपके आज के दिन के राशि फल के बारे में। जी हाँ, इस कार्यक्रम में जानेंगे मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों के जीवन में आज क्या कुछ हो सकता है। जीवन साथी या मित्रों से बनेगी आपकी बात या फिर सारा दिन आपसी कलह क्लेश में बह जाएंगे आपके जज्बात। नौकरी व्यापार में कैसे करें आज उचित समय की पहचान, मुनाफे से होगी दिन की शुरुआत या फिर हो जाएगा कोई बहुत बड़ा नुकसान। क्या है ग्रह नक्षत्र और सितारों की चाल, क्या होगा आज के दिन आपकी राशि का हाल। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से, फिर क्रमशः बारी बारी से सभी राशि वालों के राशिफल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि वाले, आज आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है, कोई शुभ समाचार मिलने का योग नजर आ रहा है। आज के दिन आप खुद पर भरोसा रखें, आत्मविश्वास कम ना होने दें, धैर्य बहुत ही ज्यादा जरूरी है आज के दिन को सफल बनाने के लिए। आज आपको कोई प्रेम प्रस्ताव भी मिल सकता है। लव लाइफ की बात करें तो किसी के साथ कमिटेड होकर आप बात करेंगे और आपको इसमें सफलता मिल सकता है। अविवाहित लोगों को विपरीत लिंग वालों के साथ अपनी भावनाएं शेयर करने का आज कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं। पिछले कुछ समय से चले आ रहे समस्याओं का आज आपको समाधान मिलता हुआ नजर आएगा। करियर की यदि बात करें तो आज के दिन बिजनेस में कोई भी फैसला बहुत सावधानी से लें, नुकसान होने के योग बन रहे हैं। आज आप कोई कोर्स या सिलेबस में आगे बढ़ने के लिए कुछ अत्यधिक पढ़ाई कर सकते हैं। इस राशि के स्टूडेंट के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है, जो भी प्लानिंग बनाएंगे उसमें आप सफल रहेंगे। हेल्थ की यदि बात करें तो आज के दिन आपका स्वास्थ्य पहले से उत्तम रहेगा, कुछ पिछले समय से चली आ रही बीमारियों से आपको समाधान मिल सकता है। लव लाइफ में आज आपको किसी बात को लेकर मूड खराब हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर लव लाइफ आज आपके लिए अच्छा रहेगा और जीवन साथी से भी मदद बराबर मिलती रहेगी। आज के दिन आपको किन बातों में सावधान रहना है, आज आप अपनी भावनाएं विशेष करके सोच विचार कर किसी के सामने शेयर करें। आज के दिन आपको कुछ सुस्ती कुछ आलस हो सकता है, कुछ बातों को लेकर मन में अनिश्चितता भी आ सकती है, अपनी योजनाओं को लेकर अपने ही मन में संदेह भी पैदा हो सकता है, थोड़ी परेशानियों वाला दिन साबित हो सकता है और आज आप कोई भी डिसीजन लेने में थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, इसलिए इन सभी बातों से आपको बचना होगा और करियर में सही लक्ष्य की ओर दिशा केंद्रित करके आपको आगे बढ़ना होगा। आज के दिन उपाय में गौ माता को रोटी खिलाएं, यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहेगा। अब आइए बात करते हैं अगली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले, आज आप काम के जुनून को बहुत हद तक अपने ऊपर हावी होने देंगे, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम नहीं है। धैर्यपूर्वक काम करें, आज आपको ऑफिस में किसी नए काम की जिम्मेदारी मिल सकती है, परेशानियों से निपटने की
आज आप कोशिश कर सकते हैं। आज के दिन आपको इसमें सफलता भी मिलने वाला है, आपके कामकाज की तारीफ हो सकती है, आपको आज अपने लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, परिवार के साथ बिताया गया समय आज आपके लिए बहुत ज़्यादा आनंददायक रहने वाला है। आज के दिन बहुत से लोग आपके बात को मानने वाले हैं। कुछ आज के दिन आप विशेष करके जो बातों से बचना है, झुंझलाहट और बेचैनी अपने ऊपर सवार ना होने दें। पैसों से जुड़े आपके कुछ काम रुक सकते हैं, इन बातों को लेकर सतर्क आपको पहले से रहना होगा। आज के दिन सेहत में किसी भी प्रकार की स्थिति को आप यदि देखते हैं तो डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। आज के दिन अपने सीनियर अधिकारियों से बात करते समय अपने वाणी पर संयम रखें। आज के दिन आपको कुछ अतिरिक्त यात्रा भी करना पड़ सकता है। लव लाइफ की यदि बात करें तो आज आप जीवन साथी का साथ पाने के लिए कुछ पैसे अत्यधिक भी खर्च कर सकते हैं, किसी अजनबी से मुलाकात हो सकती है। जीवन साथी की भावनाओं को आज आपको समझना होगा, नहीं तो आपके मधुर संबंध में कुछ कटुता का एहसास हो सकता है। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए पत्रकारिता और कानूनी पढ़ाई करने वाले छात्रों को आज कुछ नई सफलता मिलने के योग नजर आ रहे हैं। हेल्थ के दृष्टिकोण से कोई कफ संबंधी परेशानी आपको हो सकती है। इन सभी बातों से बचने के लिए आज के दिन आपको भगवान श्री गणेश जी को दुर्गा का भोग लगाना चाहिए, इससे आपके सभी काम बनते हुए नजर आएंगे। अब आइए बात करते हैं अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले, आज आपको हर काम शांति से निपटाना चाहिए, कामकाज में आगे बढ़ने के नए मौके आपको मिल सकते हैं जिसमें आप रुचि भी दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा समय और शांति से ही किसी काम को करने का विचार करें। नौकरी के मामलों में आज आप काफ़ी व्यवहारिक रहने वाले हैं। आज के दिन आप हर समस्या को आसानी से निपटा सकते हैं। आज आप कुछ नई योजना भी बना सकते हैं और उनसे आपको फायदा होने का योग भी नजर आ रहा है। इस राशि के छोटे कारोबारी अपने बिजनेस से संबंधित कोई यात्रा भी कर सकते हैं। आज के दिन आपको जल्दबाजी में कोई भी ऐसी बात नहीं कहना चाहिए जिससे आपके बनते हुए काम बिगड़ जाए। अपने बात को किसी के सामने कहने से पहले अच्छी तरीके से उसके बारीकियों को सोच विचार जरूर करें। आज आपके सामने कई मामले ऐसे आ सकते हैं जिसमें आपका झूठ पकड़ा जाए, इसलिए झूठ बोलने से बचें। आज आप कुछ व्यस्त भी अधिक रह सकते हैं। लव लाइफ में प्रेमी या जीवन साथी के साथ थोड़ी सी नोकझोंक हो सकती है, किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचने का प्रयास करें और लव लाइफ को लेकर सावधान रहें। आज के दिन इस राशि के शादीशुदा कपल अपने जीवन साथी के साथ मीठी बात कर सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई चोट लग सकता है, आज के दिन आपको वाहन भी बहुत सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए, नहीं तो कोई दुर्घटना होने का योग बन रहा है। इस राशि के स्टूडेंट को पढ़ाई में मन लगेगा, समय आपके फेवर में है। कोई भी निवेश सोच समझ कर करें, लेन देन और निवेश में आपको आज के दिन सावधानी बरतना होगा। आज के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहेगा। अब आइए बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि वाले, आज आपको किसी व्यक्ति के साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे, कुल मिलाकर दिन आपका आज उत्तम गुजरेगा। आज के दिन बिगड़े हुए रिश्ते और काम में सुधार होने के योग नजर आ रहे हैं। आज आपके आसपास वाले लोगों के प्रति आपका व्यवहार अच्छा रहेगा। आज आप स्वतंत्र विचार से काम करने के इच्छुक होंगे, कुछ लोग आपसे सलाह लेने के लिए कोई जरूरी काम में आ सकते हैं। आज आपको डेली के कामों में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए किसी भी मामले पर जल्दबाजी में फैसला लेने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो कोई नुकसान हो सकता है। आज के दिन दूसरों की रोक टोक से आपका कोई मूड खराब भी हो सकता है। आज आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है,
दूसरों को दिखाने के लिए आप अपने आवश्यकता से अधिक खर्च ना करें और फिजूल खर्ची से बचने का प्रयास करें। लव लाइफ में रोमांस के सेक्टर में एक नया मोड आ सकता है। अविवाहित लोगों के जीवन में एक नई प्रेम कहानी की शुरुआत हो सकती है। इस राशि के शादीशुदा लोगों का जीवन साथी के साथ दिन उत्तम गुजरेगा और आज आपको उनका प्यार भी मिलने वाला है। भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। इस राशि के स्टूडेंट्स आज कुछ उदास हो सकते हैं। आपके सोचे हुए परिणाम के अनुसार नहीं मिलने पर आपको कुछ मानसिक तनाव भी हो सकती है। आज के दिन विशेष रूप से लेन देन में सावधानी बरतें। ऑफिस में कुछ अधिक मेहनत करना पड़ सकता है, लेकिन उसका परिणाम आपको बाद में अच्छा मिलेगा। हेल्थ की यदि बात करें तो कोई पुराने रोग आपको उभर कर सामने आ सकते हैं, इसलिए खाने पीने में सावधानी रखें। आज के दिन पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको भगवान सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए, इससे आपका दिन उत्तम गुजरेगा। अब आइए बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि वाले, आज बिजनेस और कार्य क्षेत्र से जुड़ी कुछ यात्राएं हो सकती है, इनका फायदा आपको आने वाले दिनों में अवश्य होगा। आपका आत्मविश्वास और आपकी उम्मीदें आज कुछ अधिक बढ़ी हुई होंगी, इससे आपको लाभ भी अवश्य मिलेगा। कुछ बेहद व्यवहारिक फैसले भी आज के दिन आप कर सकते हैं। दूर स्थान के लोगों से किसी खास मामले पर आपकी बातचीत हो सकती है। आज के दिन जो आपको ध्यान देना है, धन हानि के कुछ योग बन रहे हैं। तनाव और भाग दौड़ के कारण कोई मानसिक तनाव हो सकता है। ज़्यादा काम करेंगे लेकिन आज के दिन फायदा कुछ कम हो सकता है। दौड़ भाग कुछ अधिक करना पड़ सकता है, इसलिए आज के दिन आप किसी भी प्रकार के लापरवाही को ना करें। कोई भी फैसले बहुत सोच विचार कर लें। महत्वपूर्ण कामों में फैसले लेने के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा उत्तम नहीं है। इस राशि के मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन सफलता दिलाने वाला दिन साबित होगा। कुछ सोचे हुए काम आपके पूरे हो सकते हैं। हेल्थ की यदि बात करें तो परिवार के किसी सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन यदि आप ब्लड प्रेशर से प्रभावित हैं तो इसमें आपको सुधार होने की योग नजर आ रहे हैं। लव लाइफ आज आपका अच्छा रहेगा। जीवन साथी और प्रेमी जोड़े दोनों का ही दिन उत्तम गुजरेगा। आज के दिन उपाय में भगवान शिव शंकर को बेलपत्र चढ़ाएं, यह आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा और दिन को बहुत ही मधुर गुजारने में मददगार होगा। अब आइए बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि वाले, आज आप कोशिश करेंगे तो आज के दिन किए गए लगभग हर काम में आपको फायदा हो सकता है। आज आप अपने काम में धैर्य और सकारात्मक नजरिया रखें। साथ के किसी व्यक्ति से आपको जरूरी मदद या सलाह मिल सकती है। दूसरों के साथ मिलकर काम करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आप किसी को अपने विचार से सहमत कराने की कोशिश करते हैं तो दिन आपके पक्ष में रहेगा और वो मान सकते हैं। आज के दिन इस राशि के नौकरी पेशा लोगों को उनके बॉस से कोई शाबाशी मिल सकती है। आपके सीनियर, आपके अधिकारी आपसे खुश हो सकते हैं। नए लोगों से भी आज मुलाकात आपके लिए फायदेमंद रहेगी। आज के दिन कुछ गुप्त घटनाएं हो सकती हैं जो कि आपके फेवर में होगा। आज के दिन आपको विशेष रूप से किसी भी बात को समझने में संभल कर रहना होगा। बस इस एक बात का ध्यान रखें और किसी से भी वाद विवाद ना करें। इस राशि के स्टूडेंट्स को आज के दिन किसी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलने के योग नजर आ रहे हैं। व्यापारियों के लिए कोई लाभ के सौदे हो सकते हैं। इस राशि के शादीशुदा कपल को आज के दिन उनके जीवन साथी से बहुत अच्छे संबंध रहने वाले हैं। आप दोनों शाम तक किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा सकते हैं। आज आपको कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। इस राशि के प्रेमी जोड़े को आज अपने लव लाइफ में एक नया एहसास होता हुआ नजर आएगा। आज के दिन आप अपने रिश्ते की बात अपने घर परिवार वालों के साथ कर सकते हैं।
हेल्थ की यदि बात करें तो आज के दिन आपका स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। आज के दिन उपाय में माता दुर्गा रानी को मिश्री का भोग लगाना आपके लिए अत्यंत ही उत्तम उपाय रहेगा। अब आइए बात करते हैं अगली राशि तुला राशि। तुला राशि वाले, आज आपको कोई पुरानी चिंता खत्म हो सकती है। आज के दिन आप पुराने काम को निपटाने का मन बना सकते हैं और इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों और प्रेमी जनों से अपने मन की बात कहने के लिहाज से अच्छा दिन है। सामूहिक कामों को आज आप सफलतापूर्वक आज संपूर्ण कर लेंगे। कई मामलों में आज के दिन आप बेहद व्यवहारिक रहेंगे, इससे आपको आने वाले दिनों में लाभ अवश्य मिलेगा। आज कम से कम बहुत सारे काम को आप निपटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज के दिन आपको विशेष रूप से कुछ बातों का ध्यान देना है। अपने मन में ईर्ष्या द्वेष जैसी भावनाओं को ना पनपने दें। जलनशीलता की भावना आज आपको उलझा सकता है, इसलिए इन बातों में ना आए। खास करके कुछ दूसरे लोग आज आपके कान में कुछ गलत बातें भर सकते हैं, उनकी बातों में ना आए, इससे आप विचलित हो सकते हैं। आज के दिन आपको अपना समय और पैसे को सही दिशा में इस्तेमाल करने की जरूरत है। यदि इस राशि के स्टूडेंट की बात करें तो जो लॉ की पढ़ाई पढ़ रहे हैं उनके लिए दिन बहुत ही अच्छा है। आपको सफलता मिल सकता है। किसी सीनियर स्टूडेंट या वकील से आज आपको शिक्षा अध्ययन में कुछ नए अध्याय सीखने को मिलने वाला है, जो भविष्य में आपके परीक्षा में काम आएगा। इस राशि के लव लाइफ की यदि हम बात करते हैं तो आज आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। आज के दिन आप काफी रोमांटिक मूड में रहेंगे। भौतिक सुखों की प्राप्ति होने का योग भी बन रहा है। हेल्थ के दृष्टिकोण से यदि बात करें तो पेट के रोग से आज आप परेशान हो सकते हैं, इसलिए अधिक तले भुने हुए और मसालेदार चीजों को खाने से आपको बचना चाहिए और रात के समय कोशिश करें थोड़ा सा भोजन कम करें और दूध अवश्य पीकर सोएं। आज के दिन उपाय में क्या करें? उपाय में आज के दिन किसी गरीब व्यक्ति को हरे सब्जियों का दान करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम रहेगा। इससे आपको आज के दिन को सफल बनाने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलने वाली है। अब आइए बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले, आज धन और परिवार के सहयोग से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपको आज के दिन किस्मत का साथ मिल सकता है, आपके काम पूरे हो सकते हैं। आप कार्य क्षेत्र में जिस पहचान और सम्मान के लिए कोशिश करते आ रहे हैं वह अब आपके बेहद नजदीक है। भौतिक सुख आज आपको मिल सकता है। इस राशि के दलाली के काम करने वाले लोगों को आज उनके कार्यों में फायदा होने के योग नजर आ रहे हैं। आप अपने करियर और पेशे में प्रगति के लिए हर संभव कोशिश जरूर करें। मेहनत के दम पर आज आपका असर लोगों पे जरूर होने वाला है, लेकिन आज के दिन आपको विशेष कुछ बातों का सावधान रहना होगा। खास करके अपनी एकाग्रता को खोने ना दें और आज के दिन जोखिम भरे निवेश करने से बचें और इसके साथ ही किसी भी व्यक्ति की उपेक्षा ना करें। अपने अंदर क्रोध अहंकार ना आने दें। किसी से बात करते समय अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें, इससे आपके काम अपने आप बनते हुए नजर आएंगे। जीवन साथी से आज आपको विशेष रूप से मधुरता पूर्वक बात करना होगा, उनकी भावनाओं को सम्मान देना होगा। लव लाइफ में आज आपको जिद नहीं करना चाहिए। किसी बात पर अधिक जोर देंगे तो समस्याएं और भी ज्यादा उलझकर आपके सामने आ सकती है। इस राशि के करियर में खास करके जो लोग कला के क्षेत्र में, फिल्म लाइन में, फैशन लाइन में या ग्लैमर से जुड़े हुए लोग हैं, उनको सावधान रहने की जरूरत है। आज के दिन इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। कोई पुराने रोग से आज आपको मुक्ति मिल सकती है। आज के दिन
उपाय में क्या करें? भगवान श्री गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं, यह आपके दिन को बहुत ही ज्यादा उत्तम बनाने वाला है। अब आइए बात करते हैं अगली राशि धनु राशि। धनु राशि वाले, आज आप अपने कामकाज को मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं और अपने बनाए हुए प्लानिंग पर आगे बढ़ेंगे। पुराने दोस्तों से आज आपको किसी मामले पर बातचीत हो सकती है। आज आप जब तक सकारात्मक रहेंगे, आपके साथ सब कुछ सकारात्मक होता रहेगा। इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा और खुद को शांत बनाए रखने की कोशिश करना होगा। आपका हर काम परिश्रम के बल पर पूरा हो सकता है। पूरे दिन आपके दिमाग में आज कुछ नए विचार भी आ सकते हैं। आज के दिन विशेष रूप से कुछ लोग आपको विरोध कर सकते हैं, इन बातों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। कोई नुकसान होने की खबर भी मिल सकती है। आज के दिन कोशिश करें कोई भी नया काम शुरू ना करें और आज आप अपनी गुप्त बातें किसी दूसरे के सामने शेयर ना करें। हालांकि कुछ गुप्त बातें या प्लान आज आपके सामने आ सकती है। आज के दिन आपको काम में कुछ अधिक बिजी रहना पड़ सकता है। कोशिश करें आज के दिन अपने वाणी पर संयम रखें, अधिक बोलने से आपको लाभ नहीं मिलेगा। आज के दिन खास करके गलत काम, जो समाज में उपयुक्त नहीं माना जाता है, ऐसे कामों से आपको रुचि हटाना होगा। व्यापार में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। वाहन चलाते समय आज आपको सावधान रहने की जरूरत है। लव लाइफ में यदि बात करें तो जीवन साथी के साथ आज आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकता है। कोई नया व्यक्ति भी आज आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। लव लाइफ के ख्याल से आज का दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम रहेगा और आप अपने पार्टनर के साथ कुछ यादगार पल गुजारने वाले हैं। उनकी भावनाओं को आज आप सम्मान देंगे। आज के दिन यदि इस राशि के हेल्थ की बात करें तो सेहत में आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पुराने रोग कुछ परेशान कर सकते हैं। हाथ पैर और बदन में दर्द हो सकता है। यदि आपको लगता है कि ये हमें परेशान कर रहा है तो चिकित्सक से सलाह अवश्य लें। रोगों को अनदेखी बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो ये आने वाले समय में आपको मुसीबत दे सकता है। आज के दिन उपाय में क्या करें? हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें, यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम रहेगा। अब आइए बात करते हैं अगली राशि मकर राशि। मकर राशि वाले, आज आपको अपने कामकाज की वजह से सम्मान मिल सकता है। पार्टनर से मदद और फायदा दोनों मिलने के योग नजर आ रहे हैं। आपके रोजमर्रा के काम समय पर पूरे हो सकते हैं। आप जो भी फैसला करें, सोच विचार कर अपने विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए। पहले सभी विकल्पों पर अच्छी तरीके से विचार कर लें। परिवार के लोगों से और दोस्तों से सलाह जरूर करें। परिवार के साथ आज आप कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हैं। घर परिवार और ऑफिस में आपको लाभ एवं सहयोग दोनों मिलेगा। जमीन से संबंधित व्यापार करने वाले लोगों को फायदा हो सकता है। खास करके इस राशि के बिल्डर्स को आज के दिन कुछ बड़ा मुनाफा होने के योग नजर आ रहे हैं। आज के दिन आपको ध्यान क्या देना है? कोई भी बड़ा फैसला तैश में आकर ना लें। पैसों के मामले में किसी से शर्त या किसी योजना आदि के लिए आज आपसे खास आग्रह भी किया जा सकता है या कोई काम करने के लिए आज आप पर दबाव भी बनाया जा सकता है। तो इन सभी बातों में सोच विचार जरूर करें, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इस राशि के स्टूडेंट्स जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आज देने के लिए जा रहे हैं, सफलता आपको मिल सकती है लेकिन परिश्रम आपको अधिक करना होगा। अचल संपत्ति से कोई फायदा होने का योग नजर आ रहा है। हेल्थ की यदि बात करें तो सेहत के मामले आज के दिन आपके लिए उत्तम बने रहेंगे। थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है लेकिन कुल मिलाकर आज का दिन आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज के दिन उपाय में क्या करें? आज के दिन बरगद के वृक्ष में जल अर्पित करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम उपाय रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले,
आज आपको दुश्मनों पर जीत मिल सकती है। जिम्मेदारी की भावना के दम पर आपको सफलता मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। कोर्ट कचहरी से जुड़े कामों में जीत हो सकती है। कोई पुराना लोन बाकी रहा हो तो आज वो आप चुका देंगे। आपके पुराने रुके हुए काम पूरा हो सकते हैं। ऑफिस में अफसर आपके सीनियर आपसे खुश हो सकते हैं। आज कोई खास काम आपको दिया जा सकता है जिसमें आपको आनंद भी आने वाला है। कोई जरूरी सूचना भी आपको मिल सकती है। आप दूसरों को खुश करने के लिए पूरी कोशिश कर सकते हैं। आपके मन में आज के दिन उदारता रहने वाली है। बहुत समय से कोई व्यक्ति आपको लगातार यदि किसी काम में टालता आ रहा है तो आज वो काम पूरा होने का योग नजर आ रहा है। आज के दिन कुछ नकारात्मक बातें जो आपके राशिफल में दिख रही है कि भाइयों के साथ छोटी मोटी बहस होने की संभावना बन रही है। कुछ लोग आपके लिए किसी काम को अप्रोच कर सकते हैं लेकिन उस काम में आपको बदनामी भी हो सकती है। इन बातों को आपको ध्यान देना होगा। आज के दिन किसी से भी ऊंचे वादे करने की कोशिश ना करें जो आप पूरा ना कर पाए। इससे आपके मान सम्मान में कमी आएगी और जरूरत से ज्यादा खर्चा आपको नहीं करना है। इससे आपको बचना होगा। हेल्थ आज आपको कुछ मौसमी रोग परेशान कर सकता है। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए दिन सामान्य परिणाम देने वाला दिन रहेगा। बेरोजगार लोगों को आज रोजगार मिल सकता है। इस राशि के व्यापारी वर्गों को आज उनके व्यापार में अच्छे लाभ होने के आसार नजर आ रहे हैं। लव लाइफ की यदि बात करें तो आपका प्रेमी या पार्टनर कुछ अजीब व्यवहार कर सकता है लेकिन आप इस आधार पर कोई भी फैसला ना लें। अविवाहित लोगों के लिए प्रेम संबंध को लेकर आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। आज आपको कोई नए प्रस्ताव भी मिल सकते हैं या अपने दिल की बात किसी व्यक्ति से आप साझा कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि फल। मीन राशि वाले, आज ऑफिस में बड़े लोग आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। कुछ लोग आपके लिए मददगार भी साबित होंगे। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं। बिजनेस में आपको फायदा होगा। समस्याओं को समाधान करने में आप सफल हो सकते हैं। रोजमर्रा के काम पूरे हो सकते हैं। कोई काम नहीं रुकेगा। लिखा पढ़ी के कामों में फायदा होने का योग बन रहा है। राजनीति से जुड़े लोगों को पद का लाभ हो सकता है। आपकी कोई योजना आज चल जाएगी और उससे फायदा हो जाएगा। दोस्तों से भी कुछ मुलाकात होने के आसार नजर आ रहे हैं। आज के दिन आपको कुछ नकारात्मक बातें जो राशिफल दर्शा रही है कि आप अपनी बातें और प्लानिंग को सार्वजनिक तौर पर व्यक्त करने से बचें। आज आपको सोचने समझने के लिए समय नहीं मिलेगा। इसलिए जहां तक हो सके कोई बड़ा या आर पार का फैसला जल्दबाजी में ना करें। इस राशि के लोग यदि कर्ज लेना चाह रहे हैं तो रुक जाएं। कर्ज लेने के लिए ना सोचें। कर्ज लेने से आप लंबे समय तक परेशान हो सकते हैं। नौकरी पेशा में आज आपको प्रमोशन हालांकि मिल सकता है। मैनेजमेंट और फाइनेंस के स्टूडेंट को आज अच्छी सफलता मिल सकती है। इसके साथ ही मेडिकल और इंजीनियरिंग सेक्टर के स्टूडेंट्स को आज कुछ अधिक मेहनत करना होगा। हेल्थ में यदि बात करें तो कुछ पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लव लाइफ में यदि आज बात करें तो आज आपको लव पार्टनर की सलाह से कोई धन लाभ भी हो सकता है। दिन आपके लव लाइफ के लिए अच्छा गुजरेगा। उपाय में क्या करें? आज के दिन उपाय में घर से बाहर निकलते समय पहले अपने बाएं पैर को बाहर ना करें। कोशिश करें जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने दाएं पैर को आगे करें और श्री गणेश का नाम लेकर आगे बढ़ें। उनका स्मरण करें, गणेश जी का प्रणाम करके ही निकलें। ओम गण गणपते नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। इससे आपके सभी काम बन जाएंगे और दिन बहुत ही ज्यादा उत्तम रहेगा। तो दर्शकों, आपने देखा क्या कहता है आपका आज का राशिफल। इसी प्रकार से ज्योतिष एवं धर्म से जुड़े अनेक रहस्यपूर्ण महत्वपूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी। राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी।